कृपया शांति बनाए। आ देखिए, जब उसको पकड़ लिया, उसने सच को उगल दिया, तो आज क्या कह रहे हैं कैसे बताए मास्टर? कि ये भेद छिपाए के और तैने बेटा और हद कर दी सारी है और अब नहीं जिंदो होए दोबारा है अब नहीं जिंदो होए दोबारा ऐसी मौत तुम्हारी है। अब केतु ऐसा मारेंगे कि जो गुरु शुक्राचार्य ना वो जिंदा नहीं कर पाएगा। क्या कह रहे हैं? है खबर ना देख पड़े गुरु को और ये 10 रुपए का हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता हुआ। है खबर ना देख पड़े गुरु को और ऐसी मौत तो है मारेंगे ये खबर नहीं देख पा गुरु को और ऐसी मौत तो है मारेंगे। कहे रविंदर का मशहूर मारेंगे नहीं कर पाएगा। अब सुनिए क्या लिख रहा है कभी आगे कैसे बोलती दियो जान से मार समझना के दियो जान से मार समझ कछु ऐसी आई है चिता बनाए के दीनी आग लगाई। पहुंचो चाहिए और ढूंढे चारों ओर खबर
पे हमारे माननीय सम्मानित भगत जी हमें शेर सिंह भगवी प्रदान करते हुए अपना आशीर्वाद देते हुए, लेकिन ध्यान लगाएंगे जब आज ये नजारा हो गया, देवयानी को मालूम हो गया कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहां गया, घूमने लगे, खोज करने लगी, क्या करने ये भैया, कैसे बताया बेटा, अरे खा रही धरन पछा, अरे करतार पूछ रही, अरे तो मेरे पति कहाँ, मेरे पति कहाँ, अरे चले गए देख छोड़ के। आज क्या करने लगी,
ग्वालों के पास जाती है देवयानी ग्वालों के, कहने लगी भैया आपने कछुओं को कहीं देखा है क्या? हाँ, एक ग्वालिया ने आके सबरो हाल सुनाया है और कमर मार के भस्म बनायो बाबा आए। पति की बात सुनी अबला ने, पति की बात सुनी अबला ने, अरे वो हिलकी भर के रोई मेरे नाई जगत में। सजनो मुझे समय का संकेत मिल चुका है, इसलिए एक छोटा सा गाना, और गाना भी मास्टर सरदारों ये आपका बहुत प्राचीन मेला है और शहीदों के गाने आप सुनते आ रहे हैं, बहुत सुने हैं, लेकिन एक ऐसा शहीद जिसको कुछ ही लोग शायद जानते होंगे, जो हमारे हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ पद है, उस पर तैनात था। सजनो आज उसका क्या नाम था अवगत करा दूं, बिपिन रावत। 8 दिसंबर को उनका कुन्नूर में जो प्लेन में आ रहे थे, प्लेन एक्सीडेंट हो गया, उसमें 14 सवार थे, अफसर थे, 13 मौके पर खत्म हुए, एक बाद में। लेकिन जो सीडीएस थे, जो सीडीएस का पद था, यह प्रथम बार हमारे हिंदुस्तान में पहला सीडीएस बना था बिपिन रावत, इससे पहले हमारे यहां सीडीएस नहीं था। सज्जनो सीडीएस कहते चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम, सुरक्षा संरक्षा का सबसे बड़ा मुखिया हेड। आज उसके पुत्र नहीं था, लड़की थी दो, आज दोनों लड़की दिल्ली के अंदर राजघाट पर बड़े सम्मान के साथ मुखाग्नि दे रही है, तोपे चलाई जा रही है तोपे। गांव के कुछ हमारे बुजुर्ग लोग जो गुजर रहे थे पूछा, भैया मिलिट्री वालों आर्मी वालों ये तोपे किसकी याद में चलाई जा रही है, तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, सुनिए हमारे आज हिंदुस्तान ने बहुत बड़े योद्धा को खो दिया है, बहुत बड़े वीर को खो दिया है। कैसा योद्धा था भैया रामजीत मास्टर, सुनिए वो बता रहे आर्मी वाले, सुने ध्यान से। पहले धुन सुनेंगे मास्टर भवन, तू मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है। हम सुनेंगे क्या जवाब दे रहे आर्मी वाले, ये ऐसा महाबली है, ऐसा महाबली, ये ऐसा महाबली है, जब भी सीमा पर जाए ha
देश है चीन पाकिस्तान, कोई हरकत करते थे तुरंत पहुंच जाते थे विपिन रावत। जब जब दुश्मन ने अपने सर को उठाया, विपिन रावत को अपने सामने ही पाया, विपिन रावत को अपने सामने ही पाया। और क्या होता था, मारी दहाड़ भागे, शेर की जैसी दहाड़ थी, आ गया रावत आ गया, है मारी तहार उठा दे, पतली गली है ये, कैसा बाबली है, ओ कैसा बाबली है, ओ कैसा बाबली। और ये हमने बुजुर्ग लोग अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए, 10 रुपए का आशीर्वाद देते हुए, और साहब ये 10 रुपए बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से आए, चलो ठीक है। अब आप ये सोचेंगे है कि इतना बड़ा पद CDS का विपिन रावत को क्यों दे दिया है? क्या इस हिंदुस्तान में विपिन रावत जैसे और नहीं थे? और नहीं थे? मैं बताता हूं, एक म्यांमार देश है म्यांमार, उसमें संधि के लिए भेजा गया तो कोई जाकर के वहां संधि करे, कोई नहीं गया, एक रावत गया, उस संधि को हल करके आया, विदेशों में नाम हो गया। लेकिन क्या बताया मास्टर, रविंदर की रक्षा करते
अनुगली है ये
और जब अंतिम सांसें चल रही है खात के अंदर, जब कोशिश कर रहा है राम नाम लेने की, राम राम, लेकिन कभी क्या लग रहा है, तू वादा कर आयो ना राम नाम गायो, और मास्टर अंतो समय पे तेरी ये अंतो समय पे तेरी जीव टूट जाएगी। फिर क्या होगा, टिकट रह गई हाथ में गाड़ी छूट जाएगी, टिकट रह गई हाथ में गाड़ी छूट जाएगी। ओ गाड़ी असुरगुण मराठी के माध्यम से